हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिवशंकर है और आप देख रहे हैं मोबाइल मास्टर सी। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको डीटीएच में पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ गया है तो उसे आप कैसे घर पे चेंज कर सकते हैं। बस दो मिनट या दस तीन मिनट वीडियो में टाइम लूंगा और सारा कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे पास डीटीएच का पावर सप्लाई। तो किस किस कंडीशन में आपको पावर सप्लाई चेंज करना पड़ता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अगर आपका जो डीटीएच में है लाइन नहीं आ रहा है, डीटीएच का जो कार्ड वाला लाइट रहता है वो नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पावर सप्लाई चेंज करना रहता है। या फिर लाइन आ रहा है और कट जा रहा है, लाइन आ रहा है कट जा रहा है, लाइन आ रहा है कट जा रहा है, यानी कि ग्लो कर रहा है लाइट और कट जाता है, ग्लो कर रहा है लाइट और कट जाता है, तो उस कंडीशन में आपको पावर सप्लाई चेंज करना होता है। या फिर आपको लाइन आ रहा है, दो मिनट आपको सही से बिल्कुल चल रहा है, फिर ऑटोमेटिक कट जाता है, फिर लाइन आ जाता है, फिर दो मिनट चलता है, फिर कट जाता है, फिर लाइन आता है, फिर दो मिनट चलता है, कट जाता है, ऐसे भी कंडीशन में आपको पावर सप्लाई चेंज करना होता है। तो सबसे पहले इसको कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो डिवाइडर लाइन है यहाँ तक आपको इधर एसी करंट मिलता है, अगर इधर आपको डीसी करंट मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो एसी करंट है, इधर आप टच कीजिएगा तो लाइन आपको मार सकता है, लेकिन इधर कहीं भी टच कीजिएगा तो लाइन नहीं मारेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक कनेक्टर मिल जाता है, तो कनेक्टर से आपको कनेक्टर जहां से आप पुराना पावर सप्लाई लगाए निकाले उसी कनेक्टर में इसको भी डाल दें, तो इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन आपको मिल जाता है सोल्ड करने के लिए दो यहाँ एक कनेक्टर और दो यहाँ मिल जाता है पिन्स। तो इसपे आपको एसी सप्लाई देना होता है और इसके आपको 12 वोल्ट जो एम्पलीफायर का वायर आता है उसका सप्लाई देना होता है। तो आप यहाँ से एम्पलीफायर के 12 वोल्ट का वायर जो आता है एम्पलीफायर आईसी का, उसका सप्लाई यहाँ से दे माइनस प्लस देख के, और यहाँ से आपको एसी सप्लाई देना होता है। तो सारा कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में मुझे लगता है दे दिया हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कॉमेंट मुझे करे, मैं कॉमेंट में आपको कॉमेंट के जरिए या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैं डीटीएच में लगा के आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो मैं वो भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने आज ही इसको रिप्लेस किया है, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को बनाया हूं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल नॉलेज को वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और किस तरह से दिक्कत होने पर आप कमेंट करके पूछते हैं तो मैं रिप्लाई जरूर देता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी सब्सक्राइबर बेस उतना बड़ा नहीं है।